हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पर। आज हम आपको एक मोस्ट डिमांडिंग करियर के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है सॉफ्टवेयर डेवलपर। जी हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर कैसे बने, हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। प्रेजेंट टाइम में लोगों का इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर की फील्ड में बहुत ज़्यादा है। आज के समय में अधिकतर बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनाना चाहते हैं। इसकी वजह है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फील्ड में जॉब का आसानी से मिलना और इसके साथ ही इस फील्ड में सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेक्टर में जॉब का स्कोप बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो चले जानते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर के बारे में। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर एक प्रोग्रामर होता है। प्रोग्राम तैयार करना, सॉफ्टवेयर बनाना, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट वर्क, ये सारे काम सॉफ्टवेयर डेवलपर के होते हैं। एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की समझ होनी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आपको कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। इनमें से है जावा, सी लैंग्वेज, C++, PHP, पाइथन, रूबी, SQL, जावास्क्रिप्ट की नॉलेज आपको सही से होनी चाहिए। इन सभी लैंग्वेज की जानकारी आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के समय या फिर कंप्यूटर साइंस के पढ़ाई के दौरान आपको मिल जाता है। एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए आपके पास कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो यदि सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बनना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी भाषा का काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए और साथ ही कंप्यूटर का भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम काफ़ी जिम्मेदारी वाला होता है, तो आपको सही गलत और डिसीजन लेने की समझ होनी चाहिए, तभी आप एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको 10+2 किसी भी सर्टिफाइड बोर्ड से पास होना ज़रूरी है और इसके बाद आपको कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन कोर्स पूरा करना होता है। आप कई तरह से इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं, जैसे BE, BTech, ME, MTech के बारे में तो जानते हैं, इनके बारे में और भी कई तरीके हैं। तो 12वीं के बाद साइंस फैकल्टी वालों के लिए BSc कंप्यूटर साइंस, उसके बाद MCS या MCA या फिर BCA और MCA के बाद आप इसके जरिए भी इसमें एंटर कर सकते हैं। 12वीं के बाद कॉमर्स फैकल्टी वालों के लिए BCom कंप्यूटर साइंस, उसके बाद MBA IT या फिर BCA और उसके बाद MCA के जरिए आप इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं। 12वीं के बाद आर्ट्स फैकल्टी वालों के लिए BCA के बाद MCA से आप इसमें एंटर कर सकते हैं। इन सब के अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स, जिसे IT कहते हैं, इस कोर्स के जरिए भी आप सॉफ्टवेयर फील्ड में आ सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर सेक्टर की सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है। देश विदेश के लाखों जॉब इसमें अवेलेबल होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां सॉफ्टवेयर डेवलपर को हर महीने लाखों में पेमेंट करती है और एक्सपीरियंस के साथ पेमेंट भी बढ़ती रहती है। और इसमें हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ क्रिएटिव। और एक बात, सॉफ्टवेयर डेवलपर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोनों अलग लोग होते हैं, तो इन्हें एक मत समझना। और इस वीडियो के एंड में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका इंटरेस्ट जिस किसी फील्ड में हो उसी फील्ड को ही ज्वाइन करें। तो अब इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले। आपको हम इससे करियर रिलेटेड टिप्स इसमें देते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो।